वेलकम स्टूडेंट्स, दिल्ली थ्रू एजेस का लास्ट चैप्टर हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, आखिरी इकाई है। नाम है 18वीं शताब्दी दिल्ली, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। इससे पहले के सारे जो चैप्टर्स हैं वो सब हम कर चुके हैं, पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने है बेटा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आखिरी इकाई मैं आपको करा रही हूँ। ये हिस्ट्री है यूजी कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर की, दिल्ली थ्रू एजेस बेटा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शाही नगर के रूप में दिल्ली को अस्थाई हानि, शाही नगर के रूप में दिल्ली को नुकसान हुआ जब सिकंदर लोदी जो थे वो राजधानी को यहां से दिल्ली से आगरा ट्रांसफर कर लिया, यानी कि आगरा में स्थानांतरित कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक दिल्ली इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाती रही। शाहजहां जो कि 1628 से 1658 तक रहे थे, उन्होंने 1638 में यानी कि 1638 में नई राजधानी जो बनाई थी शाहजहानाबाद, उसमें कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां फिर से स्थानांतरित हुई। उसके बाद जब शाहजहां दोबारा से यहाँ पर जो है क्या कि शाहजहां का शासन जब शुरू हुआ, तब दोबारा से आर्टिस्टिक वर्क और सारा का सारा कल्चरल जो एक्टिविटीज थी वो सारी यहाँ पर दोबारा से शुरू हुई और पुनः स्थानांतरित हुई। मतलब दिल्ली में शाहजहानाबाद जैसे उन्होंने बसाया, तब दोबारा से ये सब शुरू हो गया। तो राजधानी के स्थानांतरण ने मुगल दरबार की समृद्ध शास्त्रीय परंपराओं का दिल्ली क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं से सम्मिश्रण हेतु रास्ता तैयार किया। अब जब राजधानी दोबारा से दिल्ली आई, तो जब यहाँ पर मुगल दरबार की जो शास्त्रीय परंपराएं थी वो दिल्ली की जो अपनी शास्त्रीय परंपराएं थी उनके साथ मिली, तो एक नई तरह की संस्कृति डेवलप हुई, एक नई तरह का कल्चर डेवलप हुआ। क्योंकि जब राजधानी आगरा से यहाँ ट्रांसफर हुई बेटा शाहजहानाबाद के नाम से दिल्ली के लिए, तो कुछ तो शाहजहानाबाद की वहां की आगरा का कल्चर था वो यहाँ आया, कुछ यहाँ का अपना कल्चर था, तो दोनों का फ्यूजन हुआ, तो एक नई तरह का कल्चर डेवलप हुआ, नई तरह की संस्कृति विकसित हुई। मुगल शासक भारतीय कला संपदा का भी सम्मान करते थे, जिसके कारण एक विशिष्ट मुगल पहचान की उत्पत्ति हुई। अब भारतीय जो मुगल शासक थे वो यहाँ की जो आर्टिस्टिक वर्क था उसकी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सम्मान करते थे, इसलिए उसको मिलाते हुए उन्होंने एक नई तरह की पहचान अपनी बनाई। मोहम्मद शाह जिनका शासन जो है, मोहम्मद शाह जो थे 1719 से 1748 के बीच रहे, इनके शासन के दौरान की क्या क्या परंपराएं थी इनको हम पहले पढ़ेंगे। 1719 से लेकर के 1748 तक यानी कि 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह के शासन के दौरान की हम बात कर रहे हैं बेटा। मुगलों के अंतर्गत दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास हुआ। कैसे हुआ? मोहम्मद के शासन काल में किला ए मुबारक जिसे आप लाल किले के नाम से आज की तारीख में जानते हैं बेटे, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और शाहजहानाबाद जो दिल्ली के नाम से लोकप्रिय रहा, है ना। तो मोहम्मद शाह के टाइम में किलाए मुबारक जो था ये कल्चरल एक्टिविटीज का केंद्र बन गया। यहाँ पर नृत्य, गायन, कविता पाठ, शायरी, ये सब चीजें चलती रहती थी। कब वाली? इन सब चीजों के लिए गढ़ बन गया। ये 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी भारत में मुगल संस्कृति के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ये एक तरीके से भारत में मुगल संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरा। क्या? किलाए मुबारक। चित्रकला के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? मोहम्मद शाह का शासन मुगल चित्रकला की ओर देहली कलम नामक शैली के विकास के लिए उल्लेखित है। मतलब कि इस टाइम पर देहली कलम के नाम से चित्रकला हुआ करती थी, उसके लिए मोहम्मद शाह का शासन प्रसिद्ध है यहाँ पर मुगल चित्रकला के नाम पर। और औरंगजेब के उत्तरकाल में मुगल चित्रकला का दूसरा जन्म, औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकला का दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि पहले हुमायूं वगैरह के टाइम में आर्टिस्टिक वर्क को जो है वेटेज मिलता था, बीच में औरंगजेब के टाइम पर इन चीजों को बर्बाद कर दिया गया, औरंगजेब के बाद के काल में फिर से चित्रकला का जन्म हुआ माना जाता है। कलम जो कि यहाँ पर थी, देखिए देहली कलम नाम से जो शैली यहाँ पर विकसित हुई थी, कलम के मूलभूत और बेहतरीन उदाहरणों में राजकीय व्यक्ति चित्र और दरबार के दृश्य हैं, जहां बादशाह आकर्षण का केंद्र बिंदु है। जो कलम नाम से यहाँ पर जो है पेंटिंग शुरू हुई थी, चित्रकला जो शुरू हुई थी, उसके आज भी आपको देखने के लिए उदाहरण मिल जाते हैं, जिनमें के राजकीय व्यक्ति चित्र मिलते हैं, जो राजा थे उनके चित्र मिलते हैं देखने के लिए, और साथ में दरबार के दृश्य देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बाजार जो बादशाह है उसके आकर्षण का केंद्र बिंदु हुआ करते थे। चूरामन इस शासन काल का अग्रणी चित्रकार था। चूरामन नाम से चित्रकार रहा, जिसे कि इस काल का सबसे ही बेहतरीन चित्रकार माना जाता है।
18वीं शताब्दी के कलाकारों ने मुख्यतः पूर्वकालीन चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, जो पहले से चित्र बन चुके थे उन्हीं को कलाकार दोबारा से बना रहे थे, इसी बात पर ज्यादा ध्यान रहा। और चित्र संग्रहों और सुचित्रित पांडुलिपियां बनाना एक लाभदायक व्यवसाय, इस टाइम पर चित्र बनाना पांडुलिपियां बनाना एक लाभदायक व्यवसाय भी था, क्योंकि राजाओं से शासकों से जो मुगल शासक थे उनसे प्रश्रय मिलता था, प्रेरणा मिलती थी, अच्छी धनराशि मिलती थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत से मुगल चित्रकार मुर्शिदाबाद फैजाबाद जैसे प्रांतीय राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो चित्रकार थे ये शांति की तलाश में और जहाँ अच्छा पैसा मिले, अच्छा जो है क्या एक तरीके से स्कॉलरशिप मिले, ऐसी जगहों की तलाश में प्रांतीय राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गए यहाँ से। और मुगल परंपरा के ह्रास के दौरान एक नई पद्धति के आविर्भाव को नया रास्ता मिला, जिसने पश्चिम के प्रभाव को दर्शाया और यूरोपीय मांगों के अनुसार चित्रकारी की गई। जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो मुगल काल के जो एक तरीके से चित्रकला थी उस पर वेस्टर्न कल्चर का भी फर्क पड़ा, यूरोपीय कल्चर का फर्क इस पर काफी पड़ा। तो उसके हिसाब से उसी तरीके की पेंटिंग बनाई जाने लगी जैसे कि यूरोपीय लोग जो थे वो डिमांड किया करते थे। संगीत पर क्या प्रभाव पड़ा बेटे, संगीत कलाओं को न केवल राज दरबार और सम्भ्रांत केंद्रों से वरन अपवादात्मक रूप से स्थानीय जनसाधारण के एक विशाल भाग से भी संरक्षण प्राप्त हुआ। मतलब जो संगीत की कलाएं थी उनको राज दरबार से तो संरक्षण प्राप्त था ही, सम्भ्रांत अच्छे जो परिवार थे, जो रईस परिवार थे उनसे भी प्राप्त था, साथ में जो बहुत जनसाधारण थे, बहुत आम लोग थे, उन्होंने भी संगीत को काफी पसंद किया, संगीत के लिए काफी कुछ पैसा खर्च किया। गायन और नृत्य आमोद प्रमोद के प्रिय साधन के साथ साथ हर्षोल्लास का अंश भी थे, यानी कि गायन और नृत्य, गाना और नाच केवल खुशी का ही यकीन नहीं था, खुशी का ही साधन नहीं था, साथ में हर्षोल्लास का अंश भी था। इसमें लोगों को एक तरीके से हर्ष मिलता था, उल्लास देखने के लिए मिलता था। इसमें दोनों कलाओं के लिए किसी विशेष खुशी या उत्सव की अपेक्षा नहीं हुआ करती। गाने के लिए, नाचने के लिए लोग किसी उत्सव का इंतजार नहीं किया करते थे, कभी भी कर लिया करते थे। सूफी सभाओं जिन्हें महफिल समा कहा जाता था उनकी व्यवस्था मकबरों और संतों की दरगाह पर उर्स के उत्सव पर और महीने की खास तिथियों पर, खास तौर पर नौचंदी का मेला लगा करता था बेटा, उन तिथियों पर नियमित रूप से हुआ करती थी। सूफियों की सभाएं हुआ करती थी मकबरों पर, संतों की दरगाह पर, उर्स के मेले पर, नौचंदी के मेले पर खास तौर पर सूफियों की सभाएं रखी जाती थी। यहां तक कि शोक समारोह जैसे मुहर्रम के लिए भी विशेष प्रकार का वादक संगीत, वाचक संगीत मर्सिया डेवलप किया गया, मर्सिया खानी नाम से दुखद संगीत एक तरीके से बनाया गया जो कि मुहर्रम के मौके पर बजाया जाता था। व्यावसायिक कलाकारों की बड़ी संख्या उभर कर सामने आई। अब जब राजा से प्राश्रय मिल रहा हो, राजा से एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा हो, तो बहुत सारे व्यावसायिक कलाकार निकल आते हैं, ऐसा इस टाइम भी हुआ। इस दौरान उत्कृष्ट संगीतकारों की एक बड़ी संख्या, बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार जो है यहाँ पर संगीतकार इस टाइम पर देखने के लिए मिलते हैं बेटा। इस काल में ध्रुपद के पद की लोकप्रियता का यथेष्ट ह्रास हुआ। ध्रुपद जो था भारतीय संगीत शैली थी, ध्रुपद जिसे कहा जाता है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगी और इसके बदले ख्याल गायन ने जगह अपनी बना ली। ख्याल गायन ध्रुपद की जगह ले रहा था, इसने यहाँ पर काफी लोकप्रियता अर्जित की। साथ में कवित्व, जंगला, तराना और कई अन्य लोकप्रिय सांगीतिक राग थे, ये सब राग हुआ करते थे बेटा, कवित्व, जंगला, तराना और बहुत सारे और भी थे। कव्वाली सूफी सभाओं, उर्स और अन्य उत्सवों में शामिल हो चुके थे। कव्वाली चल रही थी आजकल इस दौर में, सूफी सभाओं में, उर्स में और उत्सवों में कव्वाली गाई जाती थी। ये काल कव्वालों की निपुणता के पूर्ण फलन का प्रत्यक्षदर्शी है। मतलब इस टाइम पे जो कव्वाल थे पूरी तरह से एक्सपर्ट मिला करते थे, तैयार मिला करते थे गाने के लिए, इस बात का ये काल गवाह है। 18वीं शताब्दी के दौरान मर्सिया ख्वानी ने सांगीतिक और साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा अर्जित की। 18वीं शताब्दी तक आते आते मर्सिया ख्वानी जो कि मुहर्रम पर बजाए जाने वाला संगीत था, इसने भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खासा सम्मान अपने लिए डेवलप किया। महिला अदाकारों की प्रतिष्ठा का बृहद उत्थान हुआ। इस टाइम पर जो महिला कलाकार थे उनको भी काफी मौका मिला अपनी कला को प्रदर्शन करने का। अब से पहले क्या था कि समुदायों के पुरुष अदाकारों के सहायक कलाकार मात्र नहीं रहे थे। अब तक क्या होता था कि वे पुरुष कलाकारों की सहायक कलाकार हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी अपनी मंडली बनने लग गई, अपने ग्रुप बनने लगे, अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रही यहाँ से। इसके बजाय वे स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने लगी और उनकी प्रतिभाएं स्वीकृत हुई। अब वो पुरुषों के बगैर भी प्रदर्शन करने लगी और उनकी प्रतिभा को लोग स्वीकार भी कर रहे थे। वे गणिकाएं बहुत ही सुरुचि संपन्न थी और उनमें से अधिसंख्या उच्च वर्गीय समाज में अतिशय सम्मान का पात्र थी। ये गणिकाएं कहलाती थी जो गाती थी, नाचती थी
बहुत ही सुरुचि संपन्न थी, मतलब उनकी एक तरीके से एक सलीकेदार थी, और उनके ज्यादातर जो थी उनमें से उच्च समाज में सम्मान भी प्राप्त करती थी। ये गणिकाएं भव्य शैली में जीवन यापन करती, मतलब ग्लोरियस इनका जो जैसे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल इनका हुआ करता था। वे महफिलों में आवश्यक शिष्टाचारों और सभ्याचारों में अत्यंत निपुण थी, मतलब महफिल में किस तरीके से उनको बिहेव करना है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, ये सब इनको बड़ी अच्छी तरीके से पता होता था। अधिकांश गणिकाएं विदुषी, कुशल वक्ता और वाक्पटु तथा उन्होंने आरंभिक मध्यकाल की गणिकाओं की भांति सामाजिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ की जो गणिकाएं हुआ करती थी अधिकतर वो विदुषी हुआ करती थी, मतलब विद्वान होती थी, कुशल वक्ता हुआ करती, बोलने में एक्सपर्ट हुआ करती थी, हाजिर जवाब हुआ करती, वाक्पटु हुआ करती थी, और धीरे धीरे इन्होंने आरंभिक मध्यकाल जो था उसकी गणिकाओं की तरह ही सामाजिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। समाज पर इनका प्रभाव पड़ने लगा। अब साहित्यिक संस्कृति, मोहम्मद शाह के शासन की बेटा हम शासन काल की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। इस दौरान में साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू का आविर्भाव हुआ, उर्दू का जन्म हुआ यहाँ पर। उर्दू काव्य के प्रारंभिक प्रोत्साहकों में सिराजुद्दीन खान, जिसे कि खान ए आरजू के रूप में जो है जाना जाता है, उल्लेखनीय है, जिन्होंने उर्दू को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी भाषा का एक महान विद्वान था ये, जिसका नाम था खान ए आरजू या सिराजुद्दीन खान। उर्दू ने काव्य के माध्यम के रूप में ब्रज भाषा और फारसी को मात दे दी। मतलब इससे पहले क्या होता था, ब्रज भाषा में काव्य लिखा जा रहा था, फारसी में लिखा जा रहा था, लेकिन उर्दू के आते ही लोग उर्दू की तरफ शिफ्ट हो गए और ज्यादातर लोग उर्दू में लिखने लगे। हालांकि फारसी विद्वतापूर्ण और अन्य गंभीर गद्य संयोजनों में प्रयुक्त होती है, फारसी का इस्तेमाल गद्य में होता रहा, लेकिन पद्य के लिए उर्दू जो थी और सबकी फेवरेट भाषा बन गई। यहाँ तक कि कवियों के जीवन वृतांत भी कुशलता से लिखे गए, तज़किरे जिन्हें कहा जाता था, ये भी उर्दू भाषा में लिखे गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उर्दू काव्य खूब फला फूला। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में गजल, ख्याल, ये सब खूब चले बेटा। और उसके बाद मुशायरा यानी कि साहित्यिक सभा जिसे कहा जाता था, उर्दू के काव्य गोष्ठी कह सकते हो एक तरीके से, उर्दू काव्य के विकास को सुगम बनाया। मुशायरे हुआ करते थे जिनके कारण उर्दू काव्य का विकास हुआ, वे कवियों के निवासों, मेलों और तहवाखानों में हुआ करते थे, है ना बेटा। उर्दू काव्य को मीर तकी मीर, मिर्जा रफी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द जैसे कवियों ने पोषित किया। उर्दू के कवि ये माने जाते हैं खासतौर पर बहुत ही प्रसिद्ध मीर तकी मीर, मिर्जा रफी सौदा और ख्वाजा मीर। भाषा को परिष्कृत करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया, अपनी भाषा को उर्दू को परिष्कृत करने में, उर्दू को उन्नत बनाने में इन्होंने बहुत परिश्रम किया। उनके हाथों उर्दू गजल ने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं अर्जित किया। इन लोगों ने उर्दू गजल लिखी, उर्दू गजल को लोगों ने काफी पसंद किया। इस तरीके से उर्दू की अपने आप ही प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ती चली गई। 19वीं शताब्दी के दौरान गालिब, दाग, मोमिन और दिल्ली घराने के अन्य शायरों द्वारा उर्दू गजलों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। 19वीं शताब्दी में गालिब हुआ करते थे, मिर्जा गालिब, दाग थे, मोमिन थे, ये सब दिल्ली घराने के और कुछ अन्य शायर थे। इन्होंने उर्दू की गजल को काफी आगे तक के लोग लेके गए, काफी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद है दिल्ली उन्नतिशील वाणिज्यिक केंद्र, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी का लास्ट का टाइम और 18वीं शताब्दी के दौर की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर दिल्ली न केवल उत्तरी भारत का सांस्कृतिक केंद्र वरन एक व्यस्त व्यावसायिक केंद्र भी थी। इस टाइम पर मोहम्मद शाह के टाइम पर दिल्ली केवल एक भारत का सांस्कृतिक केंद्र ही नहीं थी बेटा, इसके अलावा वो एक व्यस्त व्यावसायिक केंद्र भी, मतलब बिजनेस के लिए भी एक अच्छी स्पॉट बन गई थी। अपने सर्वोत्तम रूप में पुरानी दिल्ली के नाम से विख्यात मुगल राजधानी शाहजहानाबाद में समृद्धि के अनगिनत कारण थे। अब ये पुरानी दिल्ली के नाम से मशहूर हुआ करती थी शाहजहानाबाद, इसकी समृद्धि के बहुत सारे कारण थे। क्या क्या कारण थे? शाहजहां ने जब आगरा से अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया तब ये एक प्रशासनिक केंद्र बन गया। जब शाहजहां ने यहाँ पर जो है राजधानी को शिफ्ट किया तो दिल्ली एक प्रशासनिक केंद्र बन गई। इसे देखकर समकालीन व्यावसायिक समुदाय, कारीगरों और कलाकारों ने भी आगरा से नई राजधानी की ओर अपने संप्रेषण हेतु स्थानांतरण किया। अब जो कलाकार हुआ करते उन्हें तो राजा से संप्रेषण चाहिए होता था, राजा से संरक्षण चाहिए होता था, तो जहां राजा पहुंचे वहां कलाकार पहुंचे। इसलिए जो कारीगर थे, कलाकार थे, वो लोग भी आगरा से जब शाहजहानाबाद आ गए शाहजहां, तो वो लोग भी यहाँ शाहजहानाबाद ही आ गए। ये अगले दशक अगले शासक औरंगजेब का भी 1679 तक दरबार और शिविर रहा। दिल्ली में ही शाहजहानाबाद जो था यहीं पर औरंगजेब ने भी अपना दरबार और शिविर लगाया। शाही अनुरंजन और देखभाल से संयोजित ये आधी शताब्दी समृद्ध वाणिज्यिक केंद्र के रूप में राजधानी नगर के विकास हेतु एक वरदान सिद्ध संयोजित हुई। मतलब शाह जो शाही अनुरंजन यानी कि शाहों का, राजाओं का मनोरंजन होता था, देखभाल हुआ करती थी यहाँ पर,
तो इस तरीके से ये आधी शताब्दी जो थी यहाँ पर एक समृद्ध वाणिज्य केंद्र बनी रही दिल्ली, दिल्ली एक बिजनेस सेंटर बनी रही लोगों के लिए और इस नगर के लिए वरदान साबित हुआ। इसकी सीमावर्ती भूमि मतलब इसके बॉर्डर का जो एरिया था कछारी मिट्टी से संपन्न थी, कछारी मिट्टी हुआ करती थी वहां पर, और ये नगर कृषि उत्पादनों के प्रमुख स्रोतों की आसान पहुंच के भीतर स्थित था। मतलब इस नगर में मिट्टी जो थी कछारी मिट्टी हुआ करती थी जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती थी, इस कारण कृषक जो थे वो यहाँ पर रहना पसंद करते थे। सामान्य वर्षों के दौरान देखिए कारण बताते चले जा रही हैं हम आपको, है ना। पहला क्या रहा कि कारीगर शिफ्ट हुए यहाँ पर, आगरा से यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र बन गया, साथ में ये दरबार का और शिविर भी रहा औरंगजेब का ये। इसके अलावा यहाँ पर आधी से ज्यादा जो शताब्दी थी वो वाणिज्यिक केंद्र के रूप में यहाँ बिजनेस सेंटर बना रहा ये, और इसकी समीपवर्ती भूमि कछारी मिट्टी से संपन्न थी और ये नगर कृषि उत्पादों के प्रमुख स्रोतों की आसान पहुंच के लिए भीतर यहाँ पर मिट्टी भी जो थी वो कछारी थी, तो किसानों के लिए भी ये फेवरेट जगह थी। इसके अलावा सामान्य वर्षों के दौरान ऐसे अन्नागारों से बाजार कृषि पैदावार को शहरी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ला सकते थे। मतलब कि साथ में यहाँ पर ये फ्रीडम था कि जो बंजारे थे वो ऐसे अन्नागारों से जहाँ पर ये बने हुए थे अन्न के भंडार बने हुए थे वहां से वहां की खेती को शहरी जनसंख्या तक लाकर जो है उनको बेच सकते थे, फ्रीडम उनको मिल गया था। तो नगर महत्वपूर्ण स्थानों से मुख्य राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था, साथ में शाहजहानाबाद जो है ये मुख्य महत्वपूर्ण राज्यों से जुड़ा हुआ था, जैसे कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, ये सब जो नाम थे, कश्मीरी गेट कश्मीर को जोड़ता था, लाहौरी गेट लाहौर को जोड़ता था, अजमेरी गेट अजमेर को जोड़ता था, इस तरीके से नाम रखे हुए थे और उन शहरों तक ये जुड़ते थे बेटा। महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र तथा निकटस्थ क्षेत्रों के बाजार राजधानी के सड़क मार्ग से भली भांति जुड़े हुए थे, और उसके अलावा जितने भी बाजार थे वो सड़क के रास्ते यहाँ से अच्छी तरह से कनेक्टेड थे। साथ में यमुना नदी में समस्त वर्ष नौगम्य थी, यमुना नदी में इतना पानी हमेशा होता था कि उसमें नाव चल सके, तो नाव के जरिए जो भी व्यापार हो सकता था उसके लिए काफी सुविधाजनक हुआ करती थी। ये सारे कारण रहे दिल्ली के फेमस होने के। क्या क्या कारण थे? पहला तो था कि भैया एक तरीके से यहाँ पर जो राजधानी ट्रांसफर हो गई थी, साथ में यहाँ पर कलाकार और जो कारीगर थे वो सब भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्हें राजा का प्रश्रय मिलता था। तीसरी बात, यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पर भी यहाँ पर थोड़ा सा दरबार और शिविर रहा यहाँ पर, साथ में राजाओं के देखभाल के लिए यहाँ पर वाणिज्यिक केंद्र बना। इसके अलावा यहाँ की भूमि जो थी मिट्टी जो थी कछारी मिट्टी थी जो कि उपजाऊ हुआ करती थी, इससे किसानों के लिए बहुत फायदा होता था, किसान इसलिए यहाँ पर बस गए। साथ में यहाँ पर अन्नगार हुआ करते थे, बड़े बड़े अन्न के भंडार हुआ करते थे जहां से कि सामान खरीद करके जो व्यापारी थे वो ले जा करके आम लोगों को बेच सकते थे, इस बात की उनको पूरी छुट्टी मिली हुई थी। साथ में जो ये नगर था बहुत सारे राजमार्गों से जुड़ा हुआ था जो कि अपने राज्यों को जाते थे, उन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, मोरी गेट, ये सारे के सारे जो गेट होते थे इनसे, इसका मतलब ये उसी राज्य तक जा रहे हैं, उस क्षेत्र तक जा रहे हैं। साथ में इसमें जो यमुना थी उसमें सारा साल नाव चलाई जा सकती थी, इससे नाव के जरिए जो भी व्यापार हो सकता था, ट्रांसपोर्ट हो सकता था वो किया जाता था। अब बात होगी दिल्ली के बाजारों की बेटा। दिल्ली में काफी बाजार थे, बहुत सारे बाजार थे, कुछ सामान्य थे, कुछ विशिष्ट माल के लेन देन का व्यापार करने वाले बाजार थे, कुछ थोक के व्यापार जो बाजार थे, कुछ बिक्री के लिए आम जैसे कि फुटकर के बाजार होते हैं, इस तरह के बाजार थे बेटा। आज भी आप देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे बाजार हैं। तो नखास रोजमर्रा बाजार था, नखास नाम से एक बाजार था जो कि रोजमर्रा का बाजार था, जहां से लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें, डेली रूटीन की चीजें खरीदा करते थे। यहाँ पर पड़ोसी क्षेत्रों के लोग आकर अपने उत्पाद की बिक्री किया करते थे। ये शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होते थे, जगह जगह आयोजित होते थे नखास, और इनमें जाकर के लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदा करते थे और व्यापारी जो थे वो अपने सामान बेचा करते थे। कुछ अन्य बाजार जो शहर के विभिन्न जगहों में रहने वाले लोगों के अत्यंत विशिष्ट मालों की मांग को पूरा करते थे, और कुछ ऐसे बाजार भी थे जो कुछ स्पेशल डिमांड होती है किसी सामान की उसकी पूर्ति किया करते थे। जैसे आज की तारीख में आप जो है भागीरथ प्लेस जाएंगे तो आपको मेडिसिन का और इलेक्ट्रिकल आइटम का मिलेगा, आप चांदनी चौक में जाएंगे तो आपको वहां पर जो है बहुत सारी अलग अलग गलियां मिलेंगी जिनमें किसी गली में आपको कागज का काम मिलेगा, किसी में आपको चांदी का काम मिलेगा, किसी में आपको कपड़ों का काम मिलेगा, एक गली तो ऐसी जिसमें आपको केवल लेस और किनारियों का ही काम मिलेगा। तो इस तरीके से कटरा नील में आप जाएंगे वहां केवल कपड़े का काम मिलेगा। तो बहुत पुराने बाजार हैं बेटा, मुगलों के टाइम के ही बाजार हैं, उसी तरीके से काफी हद तक आज भी है देखने के लिए मिलते हैं। तो
परचून फुटकर दुकानों की भी काफी तादाद थी, यानी कि जो परचून की दुकानें होती थी वो भी काफी हुआ करती थी वहां पर, और दुकानें जीवन की अपरिहार्यताओं और विलासिताओं की पूर्ति करती थी। दुकानें जो थी वहां पर लोगों को जरूरत की और शौक की सारी चीजें आसानी से मिल जाया करती थी। 18वीं शताब्दी, अच्छा, बादशाह शाहजहां के शासनकाल में इनकी नींव बड़ी समझदारी से रखी गई थी। बादशाह शाहजहां के टाइम पर ये सारे के सारे मार्केट डेवलप हुए थे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब 18वीं शताब्दी के बीच तक जनसंख्या की वृद्धि और शहर के विस्तार के कारण धीरे धीरे अपने परिसरों से विस्तृत हुए। जैसे जैसे इन क्षेत्रों में आबादी बढ़ी, जैसे जैसे यहाँ के शहरों का विस्तार हुआ, वैसे वैसे बाजार भी बढ़ते रहे और रिहायशी इलाकों में भी दुकानें खुलने लगी। कटरा एक तरह का बाजार केंद्र हुआ करता था, जो थोक बिक्री बाजार का काम किया करता था। कटरा नील, मतलब कटरा का मतलब होता था थोक का बाजार। ये व्यापारिक केंद्र इनसे संबद्ध भारी यातायात के कारण लाल किले से कुछ दूरी पर स्थित थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, इसलिए लाल किले से थोड़ी दूर पर थे। आज भी देखेंगे आप तो लाल किले के आसपास ही पड़ते हैं बेटा ये सारे के सारे बाजार। जामा मस्जिद के चारों ओर चार बाजार थे। अब कौन कौन से बाजार थे हम देखेंगे। पश्चिम दिशा की ओर एक मशहूर बाजार निकलता था, जहां नशीले पेय, अफीम जैसे मादक पदार्थों का विक्रय होता था। पश्चिम दिशा की ओर वस्त्र व्यापारियों की कोठियां इसी इलाके में थी। ये बाजार मशहूर चौड़ा बाजार की ओर ले जाता था। यहाँ से निकल के जाते थे तो चौड़ा बाजार पहुंच जाते थे, और यहाँ पर तांबे और पीतल के बर्तन, हस्तशिल्प और कागज का भी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ये पश्चिम दिशा में जो मार्केट हुआ करता था वो बाजार में विभिन्न गलियों के नाम थे। इस बाजार में जितनी गलियां थी उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे, जो कि मोहल्लों और कूचों के नाम से विख्यात अन्य बाजार की ओर ले जाया करते थे। यहाँ से निकल के जो गलियां थी उनके नाम पर आप देख करके किसी भी बाजार में जा सकते थे। दूसरा है जामा मस्जिद की दक्षिणी सीढ़ियों पर चितली कब्र नाम का एक प्रसिद्ध बाजार लगा करता था, जहां पर छुटपुट चीजें मिला करती थी। मोची, मशहूर हस्तशिल्पकार की दुकानें हुआ करती थी। शिल्पकारों के निवास और कारखाने भी इसी क्षेत्र में हुआ करते थे बेटे। जैसे साथ में छत्ता बोला करते थे, थोड़े से एक ग्रुप बन गया जैसे दुकानों का या मकानों का, उसे छत्ता बोला करते थे। जैसे छत्ता ए मोमगरान इस बाजार के अंत में कसाईयों का मोहल्ला या कसाब बोला था, और ये दिल्ली दरवाजे के समीप था। तीसरा मार्केट था जामा मस्जिद की उत्तरी सीढ़ियों के निकट में, जहां जौहरियों, आभूषणों के मीनाकारों और इसके जैसी अन्य औद्योगिक कलाएं, जिनकी पच्चीकारी, जवाहिरात को चमकाने की कला, संगमरमर जैसे पत्थरों पर विभिन्न रंग के टुकड़े लगाकर नक्काशी, खुदकारी अथवा बक्सों और शीशी पर हाथी दांत के जड़ने की कला, और खत्ताकारी अथवा आबनूस लकड़ी पर हाथी दांत अथवा किसी पदार्थ की जड़ाई अथवा नक्काशी की कलाओं से संबंधित बहुत सी दुकानें हुआ करती। किस किस चीज की दुकानें थी? एक तो थी आपकी यहाँ पर जौहरियों की दुकानें थी, यानी ज्वेलर्स की दुकानें थी, जो कि सोने चांदी के आभूषण बेचा करते थे। मीनाकारी, जो कि उसमें मीना जड़ा करते थे, उनकी दुकानें थी। साथ में पच्चीकारी, बेटा काम होता है ये, तो वो हुआ करता था। संगमरमर के पत्थर जो होते थे उनको रंग, उनको अलग अलग रंग के टुकड़े लगा करके नक्काशी करके ज्वेलरी बनाने का एक काम था। हाथी दांत से ज्वेलरी बनाई जाती थी। आपने उसकी लड़की पर, आपने उसकी लकड़ी पर जो हाथी दांत और उसके पदार्थों की जड़ाई की जाती थी, इस तरीके से ज्वेलरी बनाई जाती थी बेटा। अब जामा मस्जिद की पूर्वी सीढ़ियों से जाने पर हस्तशिल्पकारों और अन्य वस्तुओं के विक्रय करने वालों की दुकानें हुआ करती थी। इस भाग में सबसे बड़ा आकर्षण था चौक सादुल्ला खान। चौक बनता था जिसे कहा जाता था चौक सादुल्ला खान। आज भी आप वहां जाएंगे तो आपको बेटा, अभी तो वहां पर जो उसको नाम दे दिया भाई मतीदास चौक बोला जाता था, उसे पहले फव्वारा बोला जाता था, अभी उसका नाम पहले साधु चौक भी हुआ करता था बेटा किसी टाइम में, तो चौक सादुल्ला खान उसको बोला जाता था। एक बाजार है बेटा यहाँ फैज बाजार और चांदनी चौक। फैज बाजार हुआ करता था शाहजहानाबाद के दो प्रमुख बाजारों में से एक हुआ करता था। शाहजहानाबाद का एक प्रसिद्ध बाजार था फैज बाजार, जो कि नगर प्राचीर के अकबराबादी दरवाजे को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित था। किस रोड पर था ये? अकबराबादी दरवाजे से जो सड़क बनती थी नगर प्राचीर के साथ, उस सड़क पर स्थित हुआ करता था ये। इसकी योजना शाहजहां के समय में बनाई गई और समकालीनों द्वारा इसे सौंदर्य के महान आकर्षण का स्थान कहा गया था। इसकी खूबसूरती से सभी लोग परिचय थे, इसे बहुत खूबसूरत माना जाता था। इसके बीचों बीच नहरें फैज बहती थी और इसके दोनों ओर दुकानें हुआ करती, मतलब बीच में से नहरें फैज बहती थी, इस मार्केट के दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थी। अन्य बाजार इस सड़क पर अवस्थित थी, जो नगर प्राचीर के लाहौरी गेट को किले के लाहौरी दरवाजे से जोड़ती थी। बाकी के जो बाजार थे उस तरफ को थे, जहां से कि नगर जो था वो लाहौरी दरवाजे के साथ जुड़ा करता था। फतेहपुरी मस्जिद के बीच, इस रास्ते के बीचों बीच से नहरे फैज बहती थी और इस नगर के मध्य भाग में एक चौराहा था। यहाँ से एक नहर बहा करती थी नहरे फैज, और यहाँ पर एक चौराहा हुआ करता था।
सड़क के दोनों ओर बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, 1500 से ज्यादा दुकानें हुआ करती थी, जिनकी मालकियत किसके पास थी, स्वामित्व किसके पास था, राजकुमारी जहां आरा और फतेहपुरी बेगम इन सारी की सारी दुकानों की मालकिन हुआ करती थी। अब फतेहपुरी बेगम जो थी शाहजहां की बेगमों से ही एक हुआ करती थी बेटा। वो लाल किले की ओर से प्रारंभ होने वाले इस बाजार के इस ओर के बाजार उर्दू बाजार, जौहरी अशरफी बाजार, चांदनी चौक, फतेहपुरी बाजार और काली बावली कहलाते थे। मतलब लाल किले की तरफ से शुरू होकर के ये कहलाते थे उर्दू बाजार, जौहरी अशरफी बाजार, चांदनी चौक, फतेहपुरी, खारी बावली, ये सब बेटा आज भी नाम देखिए वही है इनके सबके। चांदनी चौक के पड़ोस में कूचा नटवा नटवाओं, शाही दरबार में नृत्यांगनाओं के प्रशिक्षकों, दरबारियों और प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए निर्मित हुआ करते थे। वहां पर कूचा नटवा बोलते थे, आज की तारीख में वहां पर और चीजें आ गई हैं, नटवा मतलब नट, जो कि वहां पर नाटक किया करते थे, प्रदर्शन किया करते थे, उनके उनके मार्केट हुआ करते थे। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक, मतलब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तब तक, हिंदू और मुस्लिम कलाकारों जैसे निर्माताओं, चित्रकारों, मूर्तिकारों, अन्य हस्तशिल्पकारों से भर गया था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, यहाँ पर बहुत सारे कलाकार, मुस्लिम कलाकार, हिंदू कलाकार आ गए थे, निर्माता आ गए थे, चित्रकार आ गए थे, मूर्तिकार आ गए थे और हस्तशिल्पकार भी बहुत सारे यहाँ पर आ गए थे। हर बाजार में यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। यहाँ गर्मियों में दौरान फारस, बल्ख, बुखारा और समरकंद से मेवों और जाड़ों में उत्कृष्ट ताजे काले और सफेद अंगूर विभिन्न देशों से मंगाए जाते थे, एक्सपोर्ट भी किया जाता था फलों का। आगे है हस्तशिल्प उद्यान। शाहजहानाबाद अपने हस्तशिल्प उद्यान विशेषतः सूती वस्त्रों के लिए बहुत ज्यादा सुविख्यात रहा है। यहाँ पर जो है शाहजहानाबाद में सूती वस्त्र बहुत ही ज्यादा यहाँ के फेमस हुआ करते थे उस दौर में भी बेटा। एक विदेशी यात्री मैनरिक के अनुसार, मैनरिक ने ये लिखा है कि शाहजहानाबाद के हस्तशिल्पकार अपने छीट के कपड़ों, मिर्जई और बंधेज रगाई के वस्त्रों की उत्कृष्टता के लिए मशहूर थे, मतलब उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। इनमें छीटों को मसदी पुत्तम की अपेक्षा हीन बताया जाता, मतलब छीट का जो कपड़ा होता था उसे हीन बताया जाता था, कमतर बताया जाता था और ये निर्यात की मुख्य सामग्री थी, जबकि इसको एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता था। गलीचा बुनने का काम था काफी ज्यादा यहाँ पर, उन्नतिशील उद्योगों में से एक था जो कि लगातार बढ़ रहा था, गलीचे बुनने का काम। दिल्ली के गलीचा बुनकर बहुत ही समृद्ध थे। दिल्ली में जो भी लोग गलीचे बनाया करते थे काफी अच्छे रईस हुआ करते थे। मांग के अनुसार दिल्ली के गलीचा बुनकरों ने उत्कृष्ट रेशमी, ऊनी और सूती सलीके से गलीचे बनाए। जैसी डिमांड होती थी वैसी वो सप्लाई करते थे गलीचा बुनकर, तो उन्होंने अच्छे रेशमी, ऊनी और सूती गलीचे बनाए थे। शामियानों और कनातों का भी वहां भारी संख्या में उत्पादन होता है। शामियाने आप देखो टेंट जिसको आप बोलते हैं टेंट, वो लगाने के लिए भी काफी ज्यादा उनका व्यवसाय जो एक तरह से चलता था वहां पर, और बहुत सारे टेंट वगैरह बना करते थे। बेहतरीन किस्म के तांबे के बर्तनों, शास्त्रों, कागज, चमड़े की वस्तुओं, चीनी और नील का उत्पादन यहाँ हुआ करता था। क्या क्या होता था? तांबे के बर्तनों का काम होता था, शास्त्रों का काम होता था, कागज का काम होता था, चमड़े की वस्तुओं का काम होता था, चीनी और नील की खेती हुआ करती थी। जिल्द साजी भी इस टाइम का एक बहुत ही उन्नतिशील व्यवसाय माना जाता है बेटा। जिल्द साजी कहते हैं कि किताबों पर, कॉपियों पर कवर चढ़ाना, कवर मीन्स से हार्ड कवर चढ़ाना। अपरिमित भवन निर्माण गतिविधियों ने हजारों राजमिस्त्रियों और पत्थर गढ़ने वालों को रोजगार प्रदान किया। यहाँ पर बहुत सारे भवन निर्माण हो रहे थे जिसके कारण यहाँ पर राजमिस्त्री और पत्थर गढ़ने वाले लोगों को काफी रोजगार मिल गया। अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति भी काफी ज्यादा थी, जो अकुशल थे, कुशल नहीं थे, उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम मिल जाता था, वो भी यहाँ पर बने रहते थे। राजमिस्त्रियों, पत्थर गढ़ने वालों और बढ़ईयों की कारीगरी इतनी उत्कृष्ट कोटि की थी कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला नादिर शाह अपने साथ 300 राजमिस्त्री और 100 पत्थर गढ़ने वालों और 200 बढ़ईयों को ईरान ले गया था। यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा काम चल रहा था कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया 1739 में, तो उसने यहाँ से कुछ राजमिस्त्री उठाए, पत्थर गढ़ने वाले उठाए और यहाँ पर जो बढ़ई थे उनको उठाया और अपने देश ईरान ले गया। छत्ते किन्हें कहते थे? अखबार में छोटे छोटे आकार की तरह से एक लोकलिटी होती है, जैसे कि आप कहते हैं गली, बस्ती, बहुत छोटा होता है जिसमें 8-10 घर होते हैं बेटा, जो आकार में छोटे और संभवतया किसी एक शिल्प विशेष तक सीमित स्थल उत्पादन की इकाई होते हैं। तो एक व्यवसाय में रहने वाले लोग एक ही छत्ते में रहते हैं, जैसे छत्ता लाल तनसुख राय और छत्ता जॉनी सर खान, ये नाम है बेटा छत्तों के, जैसे लाला तनसुख राय नाम है और छत्ता जॉनी सर खान नाम है। ये संभवतः उत्पादन की नई इकाइयां थी जहां वेतन भोगी श्रमिक नियुक्त होते थे। यहाँ पर ये लोग तनख्वाह के आधार पर लोगों को रखा करते थे और ये माना जाता है कि शायद शुरुआत होगी किसी उत्पादन की निजी इकाइयों की। शाहजहानाबाद शहर के लगभग सभी भागों में निर्माण शालाएं और उत्पादन केंद्रों का प्रसार हो गया।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी पर्सनल इकाइयां थी, निजी इकाइयां थी, जिनके लिए लोग सैलरी पर मजदूर रखा करते थे, मजदूर श्रमिक रखा करते थे। शाहजहानाबाद शहर के लगभग सभी भागों में निर्माण शालाएं और उत्पादन केंद्रों का पसार हो गया। शाहजहानाबाद जो शहर था उसमें लगभग सभी भागों में निर्माण शालाएं बन चुकी थी, फैक्ट्रियां और प्रोडक्शन सेंटर्स बन चुके थे, जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने शिल्प मोहल्लों का नाम दिया, यानी कहा जाता था शिल्प मोहल्ला। कभी कभी किसी विशिष्ट व्यवसाय या शिल्प के सदस्य एक समूची गली पर अधिकार कर लेते, कभी कभी क्या होता था पूरी की पूरी गली पर ही एक ही बिजनेस के लोगों का पूरा अधिकार हो जाता था, फिर उन्हें उनके ही नाम से जाना जाता था। जैसे कूचा नाई वाला हजामों की गली होती थी, जहां पर चारे चारे बार बार हुआ करते थे, या कूचा चरखे वाला जहाँ चरखे वाले रहा करते थे सारे के सारे, तो इस तरीके से भी उनके नाम पड़ा करते थे। तो आज के वीडियो में बेटा मैं इतना ही बताऊंगी, आगे आपका आधा चैप्टर रह गया उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बेटे, उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी मैं आजकल में ही बना दूंगी। इसको पहले हम एक बार समराइज कर लेते, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे हमने पढ़ा पहले कि भाई मोहम्मद शाह के शासनकाल में किस तरीके की बदलाव आए। मोहम्मद शाह का जब शासन यहाँ पर शुरू हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखा कि भाई आपको दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास हुआ। शाहजहानाबाद जब यहाँ पर आई उसके बाद से हम पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, और चित्रकला का काफी विकास हुआ, साथ में कलम नाम से एक चित्रकला जो है विकसित हुई यहाँ पर, और चूड़ामण नाम का एक अग्रणी चित्रकार हुआ करता था। चित्र संग्रह पांडुलिपियां बनाना लाभदायक काम था, क्योंकि यहाँ पर प्रश्रय काफी मिलता था और लोगों को काफी अच्छा जो है पैसा मिल जाता था। संगीत जो है यहाँ पर काफी ज्यादा विकसित हुआ इस दौरान में, जो यहाँ की गणिकाएं हुआ करती थी वो अच्छी जो है विदुषी हुआ करती थी, हाजिर जवाब हुआ करती थी, मुहर्रम के लिए अलग से जो है विकसित हुआ संगीत, उसको भी आपने यहाँ पर पढ़ा, मरसिया खुआनी इस तरीके की चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। ध्रुपद का एक तरीके से ह्रास हुआ, ध्रुपद जो यहाँ का भारतीय संगीत था उसको लॉस हुआ, उसकी जगह ख्याल गायन शुरू हो गया। जंगली जंगला कवित तराना ये सारे सारे लोकप्रिय संगीतात्मक राग हुआ करते थे यहाँ के, और कव्वाली जो थी वो सूफी सभाओं में उसमें सभी जगह पर शामिल की जाने लगी थी। साथ में हमने पढ़ा कि महिला अदाकारी जो थी उनको भी काफी सम्मान मिला, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस शुरू की, इंडिपेंडेंट प्रेजेंटेशन शुरू किए, है ना। आगे है साहित्यिक संस्कृति, मोहम्मद शाह के टाइम में उर्दू को काफी ज्यादा प्रशय मिला, उर्दू काफी विकसित हुई, और साथ में फारसी जो थी लेकिन गद्य की भाषा रही, उर्दू जो है वो काव्य की ख्याल की गजल की भाषा रही, उर्दू का इतना प्रसार हुआ कि इसने ब्रज भाषा और फारसी को मात दे दी थी। साथ में इस दौरान में कवियों के जीवन वृतांत भी लिखे गए, जीवनियां लिखी गई, साथ में मुशायरे होते थे उर्दू काव्य के, उनमें जो है क्या कहते उर्दू की कविता पढ़ी जाती थी। साथ में यहाँ पर जो भाषा थी उसको परिष्कृत करने में मीर तकी मीर, मीर रफी ज़ादा, ख्वाजा मीर दर्द जैसे लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की और उर्दू गजल ने इस तरीके से अपनी प्रतिष्ठा हासिल की थी बेटा। इसके बाद उन्नतिशील वाणिज्यिक केंद्र, वहां पर जो है वाणिज्यिक केंद्र कौन कौन से थे। सबसे पहले दिल्ली में आपको मैंने बताया कि शाहजहां के टाइम में बहुत सारे मार्केट हुआ करते थे यहाँ पर, तो एक तरीके से कोई मार्केट की कमी नहीं थी, और साथ में शाही अनुरोध शाही प्रश्रय मिलता था, राजा की तरफ से उनको आश्रय मिलता था, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यवसाय फल फूल रहे थे। तो यहाँ दिल्ली के विकसित होने के कारण क्या क्या थे, पहली बात तो ये दिल्ली जो है राजधानी बन चुकी थी शाहजहानाबाद से नाम से, दूसरा यहाँ पर कलाकार आके बस गए, कारीगर आके बस गए जिनको राजा से प्रश्रय मिलता था, तीसरी बात यहाँ पर औरंगजेब के टाइम तक शासन रहा, लंबे टाइम तक शासन रहा, चौथी बात यहाँ पर मनोरंजन को ध्यान रखने के लिए वाणिज्यिक केंद्र के रूप में राजधानी नगर के विकास हेतु वरदान सिद्ध संयोजित हुआ, जो कि यहाँ पर आधी शताब्दी तक चलता रहा यहाँ पर शाही मनोरंजन, और साथ की जो मिट्टी थी वो कछारी मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ हुआ करती थी यहाँ पर, साथ में अन्न के बहुत सारे भंडार थे जिनसे कि जो नगर के जो एक तरीके से जो नगर कृषि जो उत्पादन था उसको यहाँ से ले जाकर के दूसरी जगह बेचा जा सकता था, और साथ में यहाँ पर बंजारे जो थे वो ले जाया करते थे इस अन्न को, और राजमार्ग थे उनसे जुड़ा हुआ था ये एरिया, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट नाम से ऐसे गेट हुआ करते थे, उनसे जुड़ा हुआ था पूरा का पूरा ये केंद्र, तो कहीं भी जाना आना यहाँ से बहुत आसान हुआ करता था। साथ में जो भी नगरीय केंद्र थे निकट क्षेत्रों के बाजार राजधानी में सड़क मार्ग से भली भांति जुड़े हुए थे, तो सड़क के रास्ते से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे इसलिए कहीं भी जाने में परेशानी नहीं होती थी। अब दिल्ली में बहुत सारे बाजार थे जिनमें नखास रोज का बाजार हुआ करता था, नखास का नाम स्पेशल लिया गया है। इसके बाद पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों दिशाओं में जो आपकी जमा मस्जिद थी उसके चारों तरफ बाजार निकलते थे, चारों तरफ के मार्केट में अलग अलग विभिन्नता थी बेटा, चारों तरफ के मार्केट अलग तरह के हुआ करते थे। इसके बाद हमने पढ़ा फैज बाजार और चांदनी चौक। फैज बाजार जो था दिल्ली का एक बहुत प्रसिद्ध बाजार था, दो ही बाजार उसने पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। यहाँ से आपको कितना कुछ आपने पढ़ा बेटा, ये आपका हो गया पूरा। इसके बाद हस्तशिल्प उद्यान जो है हस्तशिल्प का क्या रहा यहाँ पर, गलीचे बुनना
और दिल्ली के गलीचे बुनकर बहुत ही समृद्ध हुए। वहां पर गलीचा बनाने वाले मांग के अनुसार गलीचे बनाते थे, रेशमी ऊनी सूती गलीचे बनाते थे, है ना। और शामियाने कनाते भी यहाँ पर बनाते थे, साथ में तांबे के बर्तन, शास्त्र, कागज, चमड़े की चीजें, चीनी, नील इन सबका यहाँ पर उत्पादन हुआ करता था। जिल्द साजी, जिल्द चढ़ाना कई किताबों पर एक मुख्य यहाँ पर हस्तशिल्प हुआ करता था। ये सारी बातें हमने पढ़ी। राजमिस्त्री पत्थर गढ़ने वाले बढ़ई इतने ज्यादा अच्छे थे कि जब नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया तो अपने साथ बहुत सारे कारीगरों को ले गया। इसके बाद हमने पढ़ा छत्ते किसे कहते थे। छत्ता क्या होता था, ये पूरी गली होती थी, कई बार पूरी की पूरी गली को इसी नाम से नाम दे दिया जाता था। तो ये था हमारा पाठ का पहला भाग, इसका आपका जो डिलीट हुए जिसका पहला भाग इस वीडियो में मैंने कर लिया। ये बहुत लंबा पार्ट था बेटा, इसलिए मैं तो दो भागों में बांट के कर रही हूँ। इसका दूसरा भाग मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी। इतने आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और चैनल अगर बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस बार जो हमने पढ़ा है आज के वीडियो में होता है 18वीं शताब्दी दिल्ली, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो बेटे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको मैं जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। बाकी आपकी परीक्षाओं के लिए बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं ईश्वर की, कि आप अपनी अच्छी परीक्षाएं उसमें अच्छे अंकों से प्राप्त हो, आपको जो उत्तीर्ण हो, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए बेटा। परीक्षाएं अब आपके बहुत नजदीक है, इसका पेपर भी शायद 10 फरवरी को ही है, तो पढ़ते रहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बेटा। और चैनल अगर बेटा अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी के भी जो कंटेंट है आगे के सेमेस्टर्स के भी, वो भी मैं आपको इसी चैनल पर अवेलेबल करवाने वाली हूँ, तो आपको इससे फायदा ही होगा। और परीक्षा के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। जय हिंद, जय भारत।